महत्त्वाची बातमी शरद पवार गौतम अदानी यांच्या अहमदाबाद मधील घरी दाखल झालेले आहेत। आताची महत्त्वाची बातमी शरद पवार गौतम अदानी यांच्या अहमदाबाद मधल्या घरी दाखल झालेले आहेत। तर आपण ही दृश्य पाहतोय, शरद पवार गौतम अदानी यांच्या घरी दाखल झालेले आहेत। त्या संदर्भातला व्हिडिओ आपण TV9 मराठीवर पाहताय। या संदर्भात अधिक माहिती घेऊयात आमचे प्रतिनिधी सचिन पाटील यांच्याकडून। सचिन, काय अधिकची माहिती? अदानी यांच्या घरी एक कार्यक्रम आहे आणि त्यासाठी आता शरद पवार तिथे पोहोचले। देखिए, तर्क वितर्क होना लाजमी है क्योंकि शरद पवार गौतम अदानी के यहाँ पर गुजरात में इससे पहले भी आ चुके हैं, लेकिन हाल फिलहाल जो NCP का जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है शरद पवार जी और उनकी पार्टी, तो ये जो मुद्दा है उसको लेकर के भी कई सारे कयास उसमें लगाए जा सकते हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये जो उनकी विजिट है यहाँ की, गौतम अदानी के यहाँ पर उनके घर पर जो पहुंचे हैं वो, तो ये कहा जा रहा है ये सोशल गैदरिंग का एक हिस्सा है, इसमें कोई दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन इसके पहले भी शरद पवार जो है वो यहाँ पर उनसे आकर मुलाकात करते हुए मतलब मुलाकात कर यहाँ से वो गए हुए हैं। काफी मित्रता है उनके बीच में, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक हलचल हम पूरे भारत भर में देख रहे हैं, इंडिया गठबंधन की जो स्थिति है वो हम जो जिस तरीके से देख रहे हैं, और उस बीच जिस तरीके से महाराष्ट्र की भी जो राजनीति है उसमें कई सारी परिवर्तन हमने पिछले कुछ समय में भी देखे हैं, तो उसको लेकर के कयास स्वाभाविक तौर पर इसमें लगाए जा सकते हैं कि शरद पवार और गौतम अदानी के बीच की मुलाकात जो है उसके पीछे क्या तर्क हो सकते हैं। और ये जो विजिट है उनकी, वो ये कहा जा रहा है कि शायद वो आज यहाँ पर हॉल्ट करेंगे और हॉल्ट करने के बाद शायद कल वो यहाँ से मुंबई के लिए रवाना हो सकते हैं। श्वेता, अगदी धन्यवाद सचिन आपण दिलेल्या माहितीसाठी। तर आपण पाहतोय शरद पवार गौतम अदानी यांच्या अहमदाबाद मधल्या घरी दाखल झालेले आहेत।